नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एमएलसी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। सपा के पूर्व सांसद और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही अखिलेश यादव पर कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए। राधा मोहन सिंह ने कहा कि सपा अंसारियों के कब्जे में है, अखिलेश अब मुख्तार के भाइयों की सुनते हैं। अखिलेश पर जातिवाद नेता का आरोप लगाकर सपा की किस तरह से पोल खोली है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कभी सहयोगी दल नाराज हो जाते हैं तो कभी अपने चाचा शिवपाल सिंह के नखरे उनको झेलने पड़ जाते हैं। फिलहाल उनके सामने एक नई समस्या पैदा हो गई है। सपा के पूर्व सांसद और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही अखिलेश यादव पर कई तीखे आरोप लगाए हैं। राधा मोहन सिंह ने अखिलेश की पोल खोलते हुए बताया, आज अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी की ही सुनते हैं। लखनऊ पार्टी दफ्तर में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी विधानसभा चुनाव टिकट बंटवारे के दौरान वीआईपी कल्चर में आता है और अखिलेश यादव से सीधे उनके चैम्बर में जाकर भेंट कर लेता है। हम जैसे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हफ्तों अखिलेश जी का इंतजार करते रहते थे। तो राधा मोहन सिंह का साफ कहना है कि आज पूरी सपा अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है। अखिलेश मुख्तार की भाइयों की सुनते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधा मोहन सिंह ने कहा कि सपा में 33 साल रहकर सेवा की, लेकिन अब सपा में सम्मान नहीं है। सपा में वीआईपी कल्चर है। सपा ऐसे लोगों के हाथों में फंस गई है जो उनकी प्रशंसा में लगे हैं। पार्टी के समर्पित नेताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसे माहौल में उनके लिए पार्टी में बने रहना बेहद मुश्किल है, इसी वजह से वो सपा से त्यागपत्र दे रहा है। उनका ये भी कहना था कि जिस पार्टी में वो 33 साल रहे उसे छोड़ना बहुत पीड़ा भरा है, पर फिलहाल उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की पोल खोलते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि पूरे प्रदेश के समाजवादी नेता अखिलेश यादव के आवास में थे, उनकी एक झलक पाने के लिए काफी समय से खड़े थे, तभी मुख्तार अंसारी का बेटा अफजाल आता है। अखिलेश के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें गेट पर पहुंचाते हैं, उनकी गाड़ी को सीधे अंदर ले जाया जाता है। इतना ही नहीं, 15 मिनट तक अखिलेश यादव से बातचीत करने के बाद अब्बास अंसारी चले जाता है। तो साफ है कि अखिलेश अंसारी जैसे लोगों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो राधा मोहन सिंह, जिन्होंने 33 साल तक सपा का दामन थामे रखा और 33 साल सपा में रहने के बाद समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, लंबे वक्त के बाद पार्टी छोड़ना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अभी तक राधा मोहन ने साफ नहीं किया कि अब वो किस पार्टी में जाएंगे, पर कहा यह जा रहा है कि वो जनता की सेवा को अपना धर्म समझ कर समाज सेवा करते रहेंगे। और लगातार वो योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं तो कयास ये लगाया जा रहा है कि वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखना होगा राधा मोहन सिंह किस पार्टी का दामन थामेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।